नमस्कार, आपका हमारे चैनल ब्राइट स्पॉट पर स्वागत है। आज हम देखिए इस तरह का बेबी शूज बनाएंगे। ये देखिए इस तरह का। इसके लिए ये मैंने 35 फंदे डाले हैं इसमें, और इसको हमें उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरह से हमें उल्टी उल्टी तीन रो बनानी है। इस तरह से हम उल्टा, सीधी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे और उधर से भी हम उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए ये हिस्सा हम इसका बुन रहे हैं, तो ये देखिए तीन रो हम इसकी बनाएंगे, दो तीन। तीन के बाद हम आपको बताएंगे कि यहां पर किस तरह से बुनना है। हम तीन रो बना करके तैयार कर लेते हैं। इसमें से उल्टी उल्टी लाइनें बुन के इधर से भी हम उल्टा बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी हमें उल्टा ही बुनना है। देखिए ये तीन रो हमने बना करके ये उल्टी उल्टी तैयार कर ली। अब हम आगे का बुनेंगे। ये देखिए अब ये वाला भाग हमको, तीन के बाद ये वाला भाग हमको बनाना है। तो इसके लिए हम पहले ये इसमें 35 फंदे लिए थे हमने, बने हैं मेरे 35, तो इसमें हम 16 फंदे ये बुन लेंगे। पहले एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये 16। ये 16 फंदे हमने बुन लिए, और इधर भी हमको 16 फंदे रखने हैं, तो हमारे 32 हो जाएंगे। बीच में हमारे ये तीन फंदे बचेंगे, तो तीन फंदों को हमें 7 फंदे बनाने हैं। 7 फंदे हम तीन फंदे के 7 फंदे बनाएंगे, तो तीन को एक साथ लेंगे। देखिए ये एक फंदा हमारा बन गया। उसके बाद हमें इसको इस तरह से घुमा करके लेना है। देखिए ऐसे हमने कर लिया, इसको हम इस तरह से लेंगे, तो हमारे दो हो गए। दो के बाद हम इसको फिर से ऐसे करेंगे, तो ये हमारे तीन हो गए। तीन के बाद ये किया, चार हो गए। चार के बाद हमने फिर से इसको किया, तो ये हमारे पांच हो गए। ये छह, और अब हम इस तरह से एक बार और करेंगे, तो ये हमारे 7 फंदे हो गए। तो तीन फंदे के हमें यहां पर 7 फंदे बनाने हैं। 7 फंदे हमारे बन गए, और ये हमारे जो 16 फंदे बचे इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसको हमें पूरा उल्टा बुनना है। देखिए हमने पूरी सिलाई बुन करके इधर 16 फंदे हमने बुने थे, इधर बुने, और यहां तीन फंदे के हमने 7 फंदे 7 फंदे बना दिए, और उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है। सभी फंदे हमको यहां पर उल्टे बुनने हैं। इस तरह से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये जो हमने बढ़ाए थे फंदे, इन सबको हम पूरे सिलाई हमको उल्टी बुननी है। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने बुन के तैयार कर ली। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए, तो ये देखिए इस तरह से हमें दो सिलाइयां, इधर से भी और उधर से, एक सीधी सिलाई और उधर से उल्टी सिलाई। अब हम एक सीधी सिलाई बुनेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, और अब हम सीधी सिलाई बुनेंगे। सीधे सीधे सभी पूरे फंदे हमको सीधे सीधे ही बुन लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हम सब फंदे सीधे बुनेंगे। यहां पर ना अभी हमें कोई बढ़ाना है ना घटाना, बिल्कुल पूरी सिलाई हमको सीधी बुननी है। सब फंदे हमको सीधे बुनने हैं, और उल्टी तरफ से भी हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। देखिए एक सीधी और उधर से हमने उल्टी तरफ से उल्टी बुन करके तैयार की है। ये देखिए इस तरह से हमें एक सीधी एक उल्टी, इस तरह से हमको हमें 7 फंदे जो बढ़ाने, तीन फंदे के 7 बढ़ाए हैं, वो हमें 4 बार करने हैं, 1 2 3 और 4। अब हमें फिर 7 फंदे यहाँ पर, तीन फंदे के 7 फंदे करने हैं। तो पहले हमने 16 फंदे यहां पर बुने थे, अब हमें यहां पर 18 फंदे बुनने हैं, क्योंकि हमने तीन के जो 7 किए थे वो दो इधर बढ़ गए, तो हमारे ये 18 फंदे हो गए। अब हमें 18 फंदे पहले बुनने हैं, उसके बाद हमें तीन के 7 करने हैं। 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। देखिए पहले हमने 16 फंदे के बाद तीन के 7 किए थे, अब हम 18 फंदे के बाद तीन के 7 करेंगे। अब हम ये तीन फंदे एक साथ लेंगे। ये देखिए
उसी तरह से जैसे हमने यहाँ किए थे उसी तरह से हमको करना है। एक और इसको हम इस तरह से बढ़ाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे लगाएंगे और दो हो गए हमारे, तीन, फिर हमने से किया चार हो गए, पांच, छः और इस तरह से ये सात फंदे हमारे ये बढ़ के तैयार हो गए, ये देखिए। और ये सब फंदे हमको उल्टे बुनने हैं और उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है, जैसे हमने ये बढ़ाए हैं इसी तरह से हमको चार बना करके तैयार करनी है। ये हम बुन लेंगे, उधर से उल्टा बुनेंगे, फिर से एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई बुनते हुए चार रो ये तैयार करते, फिर आगे बताएंगे आपको किस तरह से हमें आगे बुनना है। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, हमने चार बार यहाँ पर तीन फंदे के सात फंदे किए और हमारी ये अब बढ़ करके दोनों तरफ से इधर 22 बढ़े और इधर भी हमारे 22 हुए और बीच में ये सेवन फंदे। अब हमारे ये इस तरह से हमारे ये बढ़ के तैयार हो गए। अब हमको ये देखिए चार रो हमारी बन के तैयार हो गई। अब हमको उल्टी 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 रो करके इस तरह की सिक्स रो हमको बना करके तैयार करनी है, उल्टी उल्टी सिक्स रो बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से हमें सभी फंदे उल्टे बुनने हैं और सिक्स रो बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से हम उल्टी उल्टी सिक्स रो बना लेंगे, देखिए इस तरह से। और सिक्स रो बनाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमको आगे किस तरह से बुनना है। देखिए हमारी ये सिक्स रो बन करके तैयार हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और इसमें ये 51 फंदे हैं। नीचे 35 फंदे थे, अब ये 51 फंदे हैं, क्योंकि ये तीन फंदे के हमने सात फंदे बनाए थे, चार फंदे हमारे यहां बढ़े, ये चार हैं तो चार चार फंदे हमारे बढ़े तो 16 फंदे बढ़ गए, तो ये सब मिलाकर के ये 51 फंदे हो गए। अब हमें यहां पर आप इसको यहां पर जरा ध्यान से देखें कि इसको हमें किस तरह से करना है। देखिए ये है, इस तरह से हमको इसको नीचे से बंद करना है, तो इसके लिए हमको यहां पर 23 फंदे हमको बुनने हैं। 23 फंदे बुन लेंगे, देखिए चार, पांच, देखिए 23 फंदे हमने इधर बुन लिए और इधर भी एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बाईस और 23 फंदे हो गए हमारे। अब ये पांच फंदे हमारे ये बचे हैं, तो इन पांच में से तीन फंदे हम इधर और बुनेंगे, देखिए एक, दो और ये तीन फंदे बुन लिए। और तीन के बाद हम ये दो का एक करेंगे, दो का हमको एक करना है और तीन फंदे हम ये बीच में रखेंगे, ये सेंटर में हमारे ये तीन फंदे रहेंगे। ये दिए, दो का एक किया और इसको यहीं से घुमा लेंगे और ये जो हमने दो का एक किया था इसको हम उतार लेंगे और फिर हम ये तीनों फंदे बुन लेंगे, एक, दो और ये तीन। ये तीन फंदे हमने बुन लिए, अब हमें फिर दो का एक करना है। ये देखिए हमने दो का एक किया, इसको हमने फिर घुमा लिया इधर और इसके बाद ये हमने दो का एक किया था इसको हम उतार लेंगे और फिर हम इसके बाद एक, दो और तीन, ये देखिए तीन फंदे हमने फिर बुन लिए और ये इसको यहाँ पर दो का एक फिर कर लेंगे। इसी तरह से हमें घुमा करके एक फंदा इधर से और एक फंदा जो हमने ये बुना है अभी घट इसको बंद किया है इसको हम उतारते जाएंगे, इधर से हम उतारेंगे, देखिए एक, दो, तीन, तीन फंदे बुन लिए, ये सेंटर के हमारे तीन फंदे रहेंगे और इसके बाद हमें इधर से दो का एक करते हुए चलना है। ये देखिए ये कर लिया और इसको हम फिर घुमा लेंगे। इस तरह से हमारा एक इधर से और एक इधर से हम घटाते हुए चलेंगे तो हमारा ये बंद होता जाएगा। देखिए इसी तरह से हम पहला फंदा हमें उतारना है, इसी तरह से हम पूरा कर लेते हैं फिर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारा इतना बुन के ये तैयार हो गया, देखिए इस तरह का, ये देखिए इसी तरह से हम आपको बता रहे थे एक फंदा हम इधर से घटा रहे हैं और एक फंदा इसी तरह से हम सभी फंदे घटा लेंगे। बीच सेंटर में हमको ये तीन फंदे रखने हैं, उसके बाद हमें दो का एक करते जाना है और ये सभी फंदे हमारे इसी तरह से हमको घटा लेने हैं,
एक एक करके ये सब फंदे हमारे इधर से और इधर से हमारे सब घट जाएंगे। पहला हमें उतार लेना है जो हमने घटाया था, उसके बाद हमें ये तीन फंदे, ये बुन लिए हमने तीन, और फिर हमने किया दो का एक, इस तरह से आगे बुन कर ली और फिर इसको उतारा, और फिर हमने तीन बुने, एक दो और ये तीन, और फिर यहाँ पर ये देखिए दो का एक कर लिया। इस तरह से हमारा ये देखिए कितनी सफाई से इस तरह से ये हमारा बुंदा, हमें इसमें सिलाई नहीं करनी पड़ती, हमें इस तरह से बुनाई करके ही इसको बंद कर रहे हैं। इसी तरह से हम पूरे फंदे बंद करेंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ तक पूरा बन के तैयार हो गया, हमने सभी फंदे कटा लिए और ये पांच फंदे हमारे बचे हैं और हमको इसको यहाँ पर बंद करना है। देखिए इस तरह से हम ये देखिए इस तरह से ये हम यहाँ पर भी इसी तरह बंद करेंगे, बीच के तीन फंदे लेंगे। अब देखिए किस तरह से हमको बुनना है, ये हमारा हमने दो का एक किया था, इसको हम उतारेंगे और ये तीन फंदे हम बुन लेंगे, एक दो और ये तीन। अब एक फंदा हमारा ये है और एक फंदा हमको यहाँ से उठाना है, ये देखिए यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे ये, और एक फंदा ये, इसका हम दो का एक फंदा करेंगे इस तरह से। अब हम इसको घुमा लेंगे और ये फंदा हमें उतारना है, उतार लेंगे और फिर हम तीन फंदे बुनेंगे, एक दो और ये तीन, और एक फंदा ये और एक फंदा हम फिर यहाँ से उठाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमें एक फंदा उठाना है और इसको हम इसी तरह से हम फिर दो का एक करेंगे। इसी तरह करते हुए हमें इधर से पूरा इसको इस तरह से हमको जोड़ करके इसको चलना है। यहाँ से एक फंदा हम इधर से उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे और इस तरह से बुनते हुए जैसे हमने इधर बुना था उसी तरह से हम बुन लेंगे। फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का हमारा तैयार हुआ। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक ये तैयार कर लिया, अब हम ये पांच फंदे हमारे बचे हैं, हम इनको बंद कर देंगे इसी तरह से, सभी फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए बंद हो गया और इस एक फंदे को हम यहां से अंदर ले जाते हुए इसको करेंगे, ये हमारा बेबी शूज बनकर के तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया और कितनी सफाई से बना है, तो हमने इसमें सिलाई नहीं की है। ये देखिए इसको यहाँ पर मोती लगा करके आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हमारे ये बनकर के बेबी शूज तैयार हैं, देखिए मोतियों से हमने इनको सजा दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।